के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। IMEC क्या है? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या वर्ड है भाई साहब, मजा आ गया सुन के। ये क्यों बनाया जा रहा है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा, जो समुद्री लुटेरे हैं, जो समुद्री चोर हैं, वो आखिर चोर हैं क्यों? जैसे आपको यहां पर जो ये दिख रही है फोटो, इसमें देखिए क्या दिख रहा है, ये क्या, कौन सी कंट्री का लोगो? स्टार, इजराइल का। ठीक, तो थोड़ा तो लिंक इजराइल का भी आएगा भाई इसमें। अब हूती कौन है? टेररिस्ट ग्रुप, जिसने कमर्शियल से रेड सी पे जा रहे थे उसको उड़ा दिया और वहां पे जितनी चीजें थी उन सबको रोक दिया और ग्लोबल ट्रेड रोक दिया। ये रेड सी जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज चलते हैं। क्यों चलते हैं आपको पता होगा, यहाँ पर क्या है, एक हूती नाम का टेररिस्ट ग्रुप है वो रहता है, हमास यहीं पर है और इसराइल भी यहीं पर लड़ता है, फिलिस्तीन भी यहीं पर लड़ता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड था उसको रोकने का काम अभी रिसेंटली किया गया था मार्च में, तो वहां से ये न्यूज आया था। अब रेड सी सी वाटर जो है वो इंडियन ओशियन के साथ मिलता है और इंडियन ओशियन का एक भाग है, जो इंडियन ओशियन के पानी है वो उस छोटे से दर्रे में जाता है और वो सी वाटर रेड सी बना देता है। तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है। रेड सी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबल ट्रेड के लिए, ठीक है, इसका नाम है बाब इल मनसब स्ट्रेट। याद रखना, जिस स्ट्रेट की मैंने बात की है ये तुरंत एटलेस पे मार्क कर लेना, क्योंकि दोबारा एटलेस आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। बाब एल मनसब स्ट्रेट, ठीक है, मंडाब स्ट्रेट। ये कहां पर है? यमेन और दीजीबूती के बीच में। अब यमेन एंड दीजीबूती आपको याद है कौन सा प्लेस है? बताओ यहाँ पे यमेन का है और दीजीबूती का है। कहां पे? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां पे? ये हाँ, ये नीचे वाला, ये शायद ये यमेन है। दीजीबूती वाज वेरी फेमस, जो आपका चाइना का नेवल बेस भी वहां पे बना है। अभी बीच में हमने दीजीबूती की बात भी की थी। इजिप्ट आपने देखा होगा, उसके आसपास देखना दिख जाएगा। अब यहां पर क्या है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बिजिएस्ट कार्गो एंड ऑयल ट्रांजिट पॉइंट। जाहिर सी बात है, ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर रहा है तो वहां से बहुत सारा ऑयल कार्गो निकलता है। ठीक है, 12% ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट आइस कहां से जाता है? रेड सी से। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस रेड सी कॉन्फ्लिक्ट के क्या होते हैं? यहां सर बहुत सारे कंटेनर और ऑयल जो होते हैं उनको रीरूट किया जाता है वाया केप ऑफ गुड होप। अब कंफ्यूजन आया, देखिए ध्यान से, रेड सी से अगर ये नहीं जाएंगे तो कहां से जाएंगे? अब भाई इनका रूट बढ़ गया, अभी ये इस जगह से नहीं जा पा रहे, अगर यहां से नहीं जा पा रहे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। इन ट्रांजिट करेंगे और कहां जाएंगे? अफ्रीका की साइड जाएंगे और अफ्रीका से होते हुए जाएंगे नीचे इधर, ठीक है, अफ्रीका में, ये जहां पॉइंट बना, ये नहीं नहीं इसके बगल वाला, इधर जो कॉर्नर उठा हुआ है जहां मर्ज है, हां ऊपर ये, हां हां, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये है कि ये जो अफ्रीका है इसके नीचे वाले एरिया से होते हुए जाएंगे केप ऑफ गुड होप से, अगर इनको परमिशन नहीं मिलती तो। भाई यहाँ पर जो इश्यूज हैं इनको टैकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। द री रूटिंग हैज लेड राइजिंग ओशियन फ्राइट, इन्फ्लेट इंश्योरेंस कॉस्ट एंड लॉन्गर वेजेस टाइम लीडिंग टू डिलेज एंड द शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप रेड सी होते हुए नहीं जाते और पूरा साउथ अफ्रीका घूमते हुए ऊपर जाते हो तो भाई साहब आप रेड सी कहां था और साउथ अफ्रीका पूरा घूमते, अफ्रीका पूरा घूमते हुए आओ तो किसको होगा, डिलेड हो गया पूरा। अब जब स्टॉक ही डिलेड हो जाएगा तो सामान में प्रॉब्लम होगी, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया का भी काम है कि हम ऐसा ट्रेड रूट बना दें जो फ्यूचर में हमारे काम है। तब ये कैसे अफेक्ट करता है इंडिया को? इंडियन ट्रेड विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कंटिन्यू फ्लोज एंटायरली थ्रू रेड सी। हमारा जितना भी व्यापार है कहां से जाता है? रेड सी से, ठीक है, और 25% इसका एक्सपोर्ट और 14% इसका इंपोर्ट यहीं से जाता है। 2022-23 में बायलैटरल ट्रेड में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 189 बिलियन और 15 बिलियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की प्राइस ये थी। राइजिंग फियर्स अमंग द ट्रेडर्स हैव ऑलरेडी सीन ड्रॉप ऑफ इंडियन शिपमेंट्स एज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने कहा है कि अब हम अपने ग्रुप्स को थोड़ा कम करेंगे। राइजिंग थ्रेट्स हैव प्रमोटेड इंडियन एक्सपोर्टर टू होल्ड बैक अराउंड 25% ऑफ देयर कार्गो शिप, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लूट खसोट बहुत है, वहां पर इंस्टेबिलिटी बहुत है, तो इंडिया ने भी अपने 25% से ऊपर शिपमेंट को वहां पर रोका है। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिलेज बहुत हो रहे हैं, राइजिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, चाइना एक्टिवली प्रोजेक्ट कर रहा है
ठीक है, क्या चाइना यूरोप फ्राइट ट्रेन चला रहा है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है एज एन अल्टरनेटिव रूट, वो रेड सी को पूरा बायकॉट कर, वो अगर हम ट्रेन से चले, शिप से ज्यादा सस्ती कॉस्ट है ट्रेन की अगर कायदे से देखा जाए, बट रूट बिछा रहे। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट 2023 इज अनदर अल्टरनेटिव विच इज नॉट रिसीविंग मच अटेंशन। भारत ने कोशिश की है, क्या कोशिश की है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की G20 समिट 2023 में इन्होंने इसकी बात की थी, पर अभी भी इसे इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, इसका रीजन आप सबको पता है क्यों नहीं मिल रहा, बताओ। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीज क्या की करेंगे, ये यहां से मुंबई से आपको पता है एक समुद्री मार्ग बनाएंगे ऐसे पाइप वाला अंडरग्राउंड, फिर यहां से ऐसे जाएंगे, फिर ये सऊदी अरेबिया के अंदर घुसते हुए यहां, फिर यहां, उसके बाद यहां से होते हुए। तो इन्होंने पूरा एक रूट प्लान कर दिया है, एक मुंबई से, एक गुजरात से, ठीक है, मुंद्रे और यहां से, और इन्होंने अपने ट्रांजिट रूट को पूरी तरह प्लान करा, ये इनका प्लान है जो ये करना चाह रहे हैं, बट अभी भी इसको हाईलाइट नहीं मिल रहा क्योंकि पहले इन कंट्रीज नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो हाई पाइपलाइन सोर्स बनेगा, गोदावरी का पानी हम भेजेंगे, वहां से हम गैस लेंगे, उससे ह्यूमन ट्रांजिट और कार्गो ट्रांजिट करेगा, बट वो एक पार्ट है, उसके आगे भी तो कंट्रीज हैं। देखिए आपको सबकी परमिशन लेने में, सबको साथ लेने में और सबको बेनिफिट दिखाने में टाइम लगता है, एक को पानी दे रहे हो दूसरे को क्या दे रहे हो, ठीक है। आपका कमिटमेंट 2023 का था, आपके एफर्ट्स अभी तक नहीं लगे, 2023 से 2024 आ गया, बट अभी आप अपने एफर्ट्स में बहुत वीक हो, तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इतनी जल्दी नहीं बन जाएगा। बट अगर आपको चाइना को टैकल करना और इंटरनेशनल ट्रेड में आपको अपनी मार्केट बढ़ानी है, अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो इंडिया को सच में बहुत मेहनत करनी है। अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो इंडिया बिना एफर्ट्स के तो नहीं कर सकता, तो इंडिया को अपने एफर्ट्स तो 100% लगाने पड़ेंगे, जो अभी इंडिया लगानी पड़ रही है। विदाउट पुटिंग योर ओन एफर्ट्स आप कुछ नहीं कर सकते, तो अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे तो आप आगे कहाँ बढ़ोगे। तो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत जरूरी एक प्लेटफॉर्म है जो बन रहा है। एट द साइलेंट G20 न्यू दिल्ली इन सितंबर 2020 MOU साइन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर आएगा जो इंडिया यूरोप को जोड़ेगा मिडिल ईस्ट से, है ना, कहाँ पे है ना, मिडिल ईस्ट बिटवीन इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, इन सबको जोड़ने की बात है। अभी USA तक तो पहुंचने का सपने तुमने गलत देख लिया, बट सी रूट में वो देख रहे हैं, वो देखें बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या क्या है, पहला है रेल कनेक्टिविटी, दूसरा है शिपिंग लाइन, तीसरा है हाई स्पीड डेटा और तीसरी है एनर्जी पाइपलाइन। ये चार चीजों के साथ इन्होंने इस कॉरिडोर को बनाया। अभी क्वेश्चन आता है जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव आया तो BRI में कंट्रीज क्यों जुड़ी, क्या बता पाए कि BRI में चाइना ने कई लोगों को क्यों जोड़ा और कैसे जोड़ पाए? एनीवन BRI में कैसे जोड़ पाए लोग? BRI में कैसे जोड़ा बेटा? BRI क्यों इतने इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए? BRI इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए? BRI में ऐसा क्या हो रहा है कि BRI ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस पढ़ाया और अगर हम ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए मान लो इंडिया, वैसे अगर सही बनाना है तो सही बना दे तुम लोग हफ्ते बहुत हंसी नहीं खत्म होती, ठीक है, मान लो यहाँ इंडिया, ठीक, और अफ्रीका के इधर चले जाओ, अरे एक मिनट रुको, इधर आपका साउथ अमेरिका है, ऐसे जाके यूं टेढ़ा सा, और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, ये सब आ गया। अब यहाँ पर बात ये आती है बेटा, जब हम चीजों को करते हैं तो यहाँ पर एक बात है कि अगर मान लो इंडिया यहाँ से कोई रूट बनाता है, इंडिया कहता है कि मैं यहाँ से एक रूट बनाऊंगा और मैं ऐसे 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 करते हुए इस कंट्री से होते हुए ऐसे करते हुए
यहाँ पे कनेक्टिविटी देते हुए फिर इस कंट्री को ऐसे घूमते हुए हर एक एरिया में जाते हुए मैं यूरोप पहुंच जाऊंगा, यूरोप से फिर ऐसे जाऊंगा, फिर यहाँ पर समुद्र है, फिर समुद्र के अंदर अंडर ब्रिज बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे जाऊंगा। अब आपने अगर ये रूट बनाया तो आपने क्या किया, आपने इस रूट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या किया, आपने इस रूट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन एरियाज का भी डेवलपमेंट कर दिया जो कभी डेवलप्ड हुए ही नहीं थे। यहाँ पर भी क्या हो गया, जब आप एक हाई कनेक्टिविटी इंटरनेशनल रूट बनाते हो तो सबसे बड़ी बात यह आती है बेटा, उस हाई कनेक्टिविटी इंटरनेशनल रूट में आपको हाई ग्रिड पावर सप्लाई मिलती है ना, कांस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके आसपास आप नए ट्रेड एंड कॉमर्स ला पाते हो, और अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जा रहा है तो आपकी कंट्री का और आपके उस लोकल रीजनल एरिया का अगर कोई प्रोडक्ट बहुत फेमस होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको कहीं और नहीं मिलते। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल कॉरिडोर बन रहा है तो इंटरनेशनल कॉरिडोर आपको यही हेल्प देता है कि आप उसे प्रॉपर मैनर में चला सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आप उसको सीरियसली ले लेते हैं तो आपको सच में बेनिफिट होगा, बट ये है कि आप उसे सीरियस ले पाए। अगर आप उसे सीरियस ले पाएंगे तभी चीजें होंगी, वरना फिर वो आपके काम बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसे सीरियसली लें और उसको प्रॉपर मैनर में टैकल करें। यहाँ पर कई सारे पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं, लोग इस चीज को करना नहीं चाहते, लोग इसे समझना नहीं चाहते, इसलिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो होता है कहीं ना कहीं हमारे लिए वीक रह जाता है। इंडिया भी कोशिश कर रही है पर इंडिया लोगों को समझा नहीं पा रही। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाती। अगर इंडिया अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगी, भाई मैं ये इंटरनेशनल रूट क्यों दे रहा हूँ, या इसका बेसिक रीजन क्या है, या इस रीजन के साथ आप क्या क्या पा सकते हो, अगर ये सारी चीजें वो इसको समझा पाए तो कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा, बट ये समझाना बहुत मुश्किल है। अब मैरीटाइम नेटवर्क और ये सब इनहेंस होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी भाई, चीजें ट्रांजिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, यूरोप है ना, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सबके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा। अगर ये ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है तो इंडिया जो होगा इकोनॉमिकली और स्ट्रेंथन पावर बनेगा, और स्ट्रेंथन पावर बनकर और बेहतर करने लगेगा। तो अगर आप किसी चीज को बेहतर कराना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक चीजें करनी ही पड़ेगी। सिग्निफिकेंट ऑफ आईएमईसी प्रोजेक्ट क्या है, आईएमईसी प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के साथ है। इस प्रोजेक्ट में पहला ईस्ट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ तक, फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो अरेबियन को गल्फ को कनेक्ट करेगा यूरोप तक। अब ध्यान से समझिएगा, दो पार्ट में ये बन रहा है, पहला पार्ट है ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा पार्ट है नॉर्थ कॉरिडोर। ठीक, अकॉर्डिंग टू एमओयू आईएमईसी इज एक्सपेक्टेड टू स्टिम्युलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, थ्रू इनहेंस्ड कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया एंड द अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। ठीक, अब यहाँ पर न्यू कॉरिडोर जो अदर डायमेंशन है उसमें क्या है, रिलायबल एंड सिक्योर रीजनल सप्लाई चेन। रिलायबल एंड सिक्योर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बेटर ट्रेड एक्सेसिबिलिटी आएगी और ट्रेड फैसिलिटेशन होगा। और ज्योग्राफिकल टर्म में बात करेंगे तो आईएमईसी जो है वो काउंटर करेगा चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को वहां पर, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी टैकल कर लेंगे। इंडिया फ्रॉम वेरी अर्ली डेज ऑब्जेक्ट करती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, क्योंकि इसका की कंपोनेंट जो है वो इंडिया की टेरिटरी से होते हुए जाता है, तो कहीं ना कहीं BRI का ठीक है इस एरिया में पहुंचने में टाइम लगेगा, उससे पहले इंडिया आईएमईसी को पूरा कर लेगी अगर वो सच में एक्यूरेट और रेगुलेटेड मैनर में काम को करना स्टार्ट करती है तो। अब ये है कि हाउ कैन द आईएमईसी प्रोजेक्ट बी मेड वायबल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्पाइट सब चैलेंजेस इकोनॉमिक लॉजिक कॉरिडोर होल्ड्स विच शुड इनकरेज स्टेक होल्डर टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स। अब इसमें क्या है, पहला एम्पिरिकल स्टडीज जो है उस कॉरिडोर की कंडक्ट करनी चाहिए। इसमें एस्टीमेट कट ऑफ द जर्नी टाइम इंडिया टू यूरोप जो होगा 40% कम हो जाएगा, और जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो 30% का पहला। However, there are speculation that multiply handling cargo and multinational transit will increase carriage and complication costs. अब भाई हर नेशन से होते हुए जा रहा है तो वहां के रूल्स अलग है, यहाँ के रूल्स अलग है, तो कहीं ना कहीं टाइम भी लगेगा और उसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। पर अगर इसको क्वालिफाई कर देते, इकोनॉमिक एडवांटेजेस दे देते कॉरिडोर को, तो वहां पर और स्टेक होल्डर आएंगे। अगर ये सारे चैलेंजेस हम पहले से टैकल कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर जुड़ पाए और इन चीजों को कर पाए, तो हमारे पास और भी एडवांटेजेस आएंगे, वो कॉरिडोर को हमें और भी इन्वेस्टर्स के साथ इसको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, अदर कंट्रीज भी इसमें जुड़ने को तैयार होंगे। सेकेंडली, रोबोस्ट फाइनेंशियल frameworks needs to be placed since there is no binding financial commitments on any signatories of the corridor. Investment will have to be attracted from government, international organization and private sector entity. हमने प्लान तो कर लिया कि हम एक आलीशान ताजमहल बनाएंगे,
पर शाहजहां अवेलेबल है नहीं, तो भाई कई लोगों को शाहजहां बनना पड़ेगा, कई लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कौन है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर्स है, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो चाइना इंडिया में ये अंतर है, जब BRI चाइना लाया था उसने कहा इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, मी और कौन, मैं नहीं तो कौन भी, ये चाइना का स्टेटमेंट था। इंडिया का है तू नहीं तो कौन भी, इंडिया कहती हमसे पैसा ना मांगो तुमको दे दो। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है। लेटली कॉम्प्रेसिव मल्टीनेशनल ऑपरेशन फ्रेमवर्क नीडेड, अब यहाँ पर क्या है कॉरिडोर की फैसिलिटीज है, डिफरेंट लीगल सिस्टम है, मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क है, तो इनको टैकल करना जरूरी है कि एक ही जगह से जो डॉक्यूमेंटेशन चले वो हर एक कंट्री फॉलो करती है। कॉरिडोर को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज बिल्कुल अलग लानी पड़ेंगी ताकि इसको हम प्रॉपर मैनर में चला। अगर जैसे यहाँ से सऊदी अरेबिया गया, अब सऊदी अरेबिया में कई चीजें ले जाना लीगल नहीं है, कई चीजें बेचना लीगल नहीं है, इंडिया में कई चीजें बेचना लीगल नहीं है, जॉर्डन में कई चीजें बेचना लीगल नहीं है, तो इन सब चीजों को एक ही जगह बैठा के टैकल कर लिया जाए कि भैया तुम भांग को दवाई समझ लेना, हम दवाई को भांग समझ लेंगे, काम खत्म। एक दूसरे को चीजें तो बेचनी पड़ेंगी ना। तो इसी के साथ ये तीसरा एडिटोरियल भी आपका समापन की ओर है, आपको यहाँ पर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, अभी चौथा भी आएगा।